पोलियो मुहिम में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले इंतजामिया के निशाने पर आ चुके हैं। 70 मुलाजमीन को शोकास नोटिस भी जारी कर दिए गए। मजीद तफसीला जानेंगे इमरान मलिक से। जी इमरान, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, पूरे शहर लाहौर में पोलियो मुहिम के हवाले से शोर पड़ा हुआ है और इस वाले से पोलियो मुहिम की के जो कतरे नहीं पिलाए जा रहे, जहां पर वहां पर लोगों को के खिलाफ पर्चे भी कटवाए जा रहे हैं और इस वाले से 70 मुलाजमीन को जिले इंतजामिया ने शोकस नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 रोजा पोलियो मुहिम में 17,92,720 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का टारगेट रखा गया था। हेल्थ की टीमों ने अपना टारगेट पूरा किया, मगर पोलियो मुहिम के दौरान 1,618 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इंकारी होने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पहले कैचअप डे में 1,303 बच्चों को कतरे पाए गए हैं, जबकि 315 रह जाने वाले बच्चों को आज दूसरे कैचअप डे में कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों की बार बार जाने के बावजूद कतरे ना पिलाने और बदतमीजी करने पर 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए, जिसमें जो एक्टर थे फुआद खान उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके साथ साथ आज रायवंड में कतरे ना पिलाने के एक केस रिपोर्ट होने पर उलमा इकराम की भी हिदमत मांग ली गई थी, जिसमें मौलाना तारिक जमील ने फैमिली को कायल किया, जिस पर फैमिली ने बच्चों को कतरे पिलाए और पोलियो मुहिम की रोजाना की। बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक।